विश्वास जो आज तक हम करते आए वो धर्म हमारे अंदर नस नस में बस जाए। इस धर्म की महिमा ऐसी है कि इस धर्म के कारण अनेक महात्माएं इस देश में, मैं तो कहती इससे ज़्यादा तो किसी देश में हुए ही नहीं, इस देश में जितने महात्माएं हुए और कहीं नहीं हुए, जितने साधु संत हुए इतने कहीं नहीं हुए। इसका मतलब अपना भारतवर्ष एक महान योगदान सारे दुनिया को दे सकता। मैं अभी चाइना गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइनीज वैसे तो पॉलिटिकली चाहे हमारे विरोध में हो लेकिन कहते थे कि हम तो हिंदुस्तान से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा क्या? पहले हम जानते हैं कि वहाँ अध्यात्म की खान है लेकिन अभी तक किसी ने वो बताया नहीं, और हमारा जो स्टॉल था उसमें लाइने पे लाइने, कतारे पे कतारे, क्यू के क्यू लगे हुए, जहाँ लोग आकर पूछते थे क्या है सजू। पेपर में तक आया, अमेरिकन भी हैरान हो गए कि इसमें क्या रखा हुआ है, यहाँ क्यों इतने लोग बैठे हो। और आप देख रहे हैं आपके सामने इतने लोग बैठे हैं फॉरेन के भी, जो कि आज सहयोग को प्राप्त करके आपके भारत की गौरव गाथा गा रहे हैं। आपको भी इस ओर नज़र करना चाहिए। सहज में आपको पार तो होने में कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आप तैयार हैं। जैसे कोई बीज होता है, आप उसको पृथ्वी माता में डाल दीजिए तो पनप जाता है, क्योंकि बीज में भी शक्ति है और माँ में भी शक्ति है। लेकिन उसके बाद उसको वृक्ष होने में देर लगती है। वो ज़रूरी है क्योंकि आपकी विशालता तभी दिखाई देगी जब आप वृक्ष स्वरूप हो जाए। उसके लिए ध्यान करना और ध्यान में उतर उछलेपन से सहयोग नहीं किया जा सकता। इसका मजा तो तब आता है जब आप आध्यात्म में डुबकियां लगाते हैं, उसमें पूरे गहरे बैठ जाएं, तभी आपको सहज का मजा आएगा और तभी आप समझ जाएंगे कि आप क्या और आप कितने विशाल हैं। और सब होते हुए भी अंदर से आप में एक तरह की ऐसी शांति और समाधान विराजमान रहेगा कि उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने चित्त से ही चीज ठीक कर सकें। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका चित्त ही इतना सुंदर हो जाएगा कि उस चित्त के जहाँ भी ध्यान जाए उस चित्त से आप बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकें। तो थोड़ा सा अपने संकीर्ण वातावरण से निकल करके अपने को, अगर आपको और ऊंची दशा में लाना है तो ध्यान धारणा जरूर करना। बगैर ध्यान नहीं, ध्यान ही से सब चीज़ व्यवस्थित होगी। अब यही बात है कि हमसे लोगों ने कहा कि आदमी लोग तो बहुत ध्यान करते हैं, औरतें कम करती हैं। आश्चर्य की बात है, मैं एक औरत ही हूँ, मैं भी स्त्री हूँ और मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, सबको चलाते हुए भी ध्यान से ही मैंने ये क्रिया प्रणाली ढूंढ निकाली कि हजारों लोग पार हो सकते हैं। तो मैं ये विनती करूँ कि औरतें अगर घर में ध्यान करें तो बच्चे भी ध्यान करते हैं। औरत शक्ति का बड़ा पुण्य है और जहाँ औरतें ध्यान नहीं करेंगे वहाँ बच्चे भी नहीं करें। बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पति तो करे ही, क्योंकि पति जो है वो चालना करता है घर की और स्त्री जो है उसका रक्षण करती है। तो अगर पति ने ध्यान डालना करी तो पत्नी भी करे, बच्चे भी करें। और फिर सबसे बड़ी सहयोग की बात यह है कि ये सामूहिक कार्य, सामूहिक, अकेले नहीं। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ माँ और तो भी मुझे बीमारी हो गई, अकेले में नहीं। जो सामूहिकता में आ पाएंगे, जब सामूहिक में सहयोग को मानेंगे तब आज का वर्तमान का सहयोग है। वो जमाने गए कि एक आदमी कहीं पार हो जाते थे,
हजारों को पार करना है, लाखों को, करोड़ों को पार करना है, तो हमें सामूहिक होना पड़ेगा। और सामूहिक की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में लोगों ने सहयोग को इतने इसे अपने सर आँखों पर उठा लिया और समझा है। इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव लोग इस दिल्ली में हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस महाराष्ट्र में इतने संत साधु हो गए, वहाँ के लोगों को इतनी अकल नहीं जितने आप लोगों को, देखकर हैरान। वो लोग सोचते हैं हमें सब मालूम है, हाँ ये सब हमने जाना। वहाँ नवनाथ हो गए, वो सब बेकार गए, वहाँ जितने साधु संत हुए सब बेकार। और इस तरह से जो आप लोगों ने इसको समझाया, अपनाया है, इसको बढ़ाने के लिए अपना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल ध्यान भी करना चाहिए और एक सामूहिक ध्यान में समावेश करना चाहिए। मैं मानती हूँ हमारे पास जगह की कमी है और उसके लिए कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी सामूहिक आप हो जाएंगे, आप फिर और कोई बात करेंगे ही नहीं, सहज की ही बात। अभी तो शुरुआत है और इससे आगे और भी हर जगह हमारा प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आए। आई एम सॉरी टू से आई हैव टू यूज़ दिस लैंग्वेज विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट माई मदर टंग, बट इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड टू एक्सप्रेस सहज इज़ अ वेरी wonderful way you can talk about it. Why in English I find it sometimes fumbling, because certain words which are very deep and subtle cannot find them in Western languages. I wish you all could learn our national language. So at least one language you can learn, because not difficult. It's a very easy language, Hindi languages. I hope you are all comfortable here, and as you say that you have come for the comfort of your spirit, I'm sure with meeting all these people you must be very happy. And I hope there are no complaints about your staying or your food and all that. I have been just telling them what I have told you before, that love is truth and truth is love. But love should not be attached love, it should be detached love. When it is detached, gradually you start growing into such a huge, big personality that you can solve the problems of the world. So you have to grow, and for that growth you have to come out of your smaller, narrower lives into wider and wider atmosphere. Once that starts happening, you really सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।